सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एल्बर्ट, एंड्रॉइड गेमिंग सेंटर चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। रियल क्रिएट 22 से रिलेटेड एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि रियल क्रिएट 22 में कॉप मोड या जो है टू वर्सेस टू मोड या स्पेक्टेड मोड, ये चीजें आएगी या नहीं। तो इसी का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रियल क्रिएट 22 का अपडेट अब ज्यादा दूर नहीं है, अपडेट जो है बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि रियल क्रिकेट 22 का जब अपडेट आएगा तो उसमें हमको कुछ चीजें कंफर्म कर दी है रियल क्रिकेट ने, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, पहले तो 5 स्टेडियम से भी कंफर्म हुए हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं अभी जो आएंगे। अभी फिलहाल तो 5 कंफर्म किए हैं, लगता है 5 से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि बॉलिंग एक्शन दिखाए गए हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि उतने ही बॉलिंग एक्शन होंगे। मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा बॉलिंग एक्शन आने वाले हैं रियल क्रिकेट 22 के नेक्स्ट अपडेट में। तो होप कि आपको वो बॉलिंग एक्शन भी पसंद आएगी, अपडेट भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर एक और चीज जो है वो हमको दिखाई गई थी जर्सी, लेकिन उसका भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कोच के, कैसे वर्क करेगा, कहाँ पर दिखेगी, तो वो कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रही है। तो स्क्वाड अपडेट तो आपको पता ही है, लेकिन अब मल्टीप्लेयर का सीजन 2 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि क्या 2v2 आएगा या कोऑप मोड या स्पेक्टेड मोड, ये 3 चीजें आएगी। तो मुझको नहीं लगता है कि आप इस अपडेट में जो ये अपडेट आने वाला है कि इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मुझको लगता है कि मे बी नेक्स्ट अपडेट जो वो अच्छा वाला अपडेट बनाएंगे उसी में वो 2v2 कोऑप वगैरह आएगा। देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर उनको लाने होते ये चीज़ें तो कुछ तो ग्लिम्प्स दिखाई गई होती रियल क्रिकेट 22 की कंपनी की तरफ से, यानी नॉटलेस की तरफ से। ऐसा कुछ हमको कुछ नहीं दिखाया गया है अभी तक। तो इस हिसाब से मैं बताता हूँ कि मुझको लगता है कि ये चीज़ें अभी तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये तो देखिए, पहले तो गेम को जो मैंने पहले भी कहा था कि गेम अभी जो नई नई गेम है ये भी ज़्यादा पुरानी गेम तो नहीं है, पहले इसको स्टेबलाइज करेगी। बहुत ज़्यादा बग्स है, बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन इश्यूज है, कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं अभी। जब तक वो सॉल्व नहीं होगी तो आपको जो है नया मोड अगर मल्टीप्लेयर में मिलेगा भी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो जैसे पहले ये 1v1 है, इसमें जो बग्स आ रहे हैं, इसमें जो कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, जो बीच में है कभी बंद हो जाता है, कभी वेटिंग फॉर अपोनेंट दिखा रहा है, ये चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएगी, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप इसका जो है बढ़ा सकती है कंपनी। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको कि अभी तो कुछ पहले वाला ठीक नहीं हुआ है तो दूसरा चीज ऐड करने में क्या मजा आएगा फिर। तो अभी कनेक्टिविटी इश्यूज वगैरह जो भी बग्स है मल्टीप्लेयर में वो सोलो हो गए, और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होगी कंपनी की जो अभी तक देखिए, जो रियल क्रिकेट 20 था ना वो बिल्कुल एक अलग गेम था, अलग मैकेनिज्म से चलता था। जो रियल क्रिकेट 22 है वो बिल्कुल अलग गेम है, अलग मैकेनिज्म से चलता है। तो जैसे वो चलता था वैसे ये नहीं चलेगा। तो इसमें कुछ जो दिक्कत है आ रही होगी कंपनी को, तो वो भी जो है अगर थोड़ा टाइम लेगी कंपनी तो मे बी क्या अच्छा ही हमको देखने को मिले। तो फिलहाल तो मैं आपको बताता चलूं कि नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, बाकी तो कंपनी जाने बेहतर। तो यही वीडियो था आपके लिए, तो होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।